हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। बच चुके हैं आपकी क्लास 10th की मैथ होगी। अब जल्दी से आ जाओ, सभी जितनी संख्या में बच्चे जुड़े हैं सभी आ जाएं फटाफट, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चा जल्दी से आ जाओ, बहुत जल्दी आ जाओ। आप जानते हो कि सुबह 8 बजे से डेली ये क्लास शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज 4.3 होगा आज, प्रश्नावली 4.3। ये मान लो कि ये जो क्लास होगी ना सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, चूँकि ये आज हम मूल निकालना सीखेंगे। और ये मूल निकालना ना, ये जितने भी बच्चे हैं जो कंपटीशन वाले हैं या कोई भी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 10th वालों के लिए है बच्चा। क्योंकि ये आपके समीकरण के सवाल हर जगह लगभग पूछे जाते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को अनदेखा नहीं करेंगे। चलिए, जो बच्चे NCERT वाली बुक लिए हैं वो जल्दी से खोल लें, क्लास 10th की NCERT बुक एक्सरसाइज 4.3। तो बच्चा सवाल नंबर 3 क्या कहता है ध्यान दीजिए और लिखिए। सवाल नंबर 3 कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, 3 का पार्ट नंबर 1 कौन सा है बच्चा? पार्ट 1 सवाल है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों के मूल मतलब रूट्स ज्ञात कीजिए। हम सभी पढ़े हैं कि जितने घात का समीकरण होता है समीकरण के उतने ही मूल होते हैं, यह आप सबको अच्छे से पता है। तो बच्चा इसमें जो पहला सवाल है उसको लिख लेता हूं मैं। यक्स माइनस 1/x इक्वल 3, कह रहा कि यक्स डज नॉट इक्वल 0। ये चीज़ आप ध्यान दो, बहुत आसान है, वेरी इजी है भाई, सिंपल सा है ये। हमारे साथ बहुत से छात्र जुड़ चुके हैं, जैसे प्रांजल जुड़ चुके हैं, शिवानी, अर्पिता, अंकिता सिंह, पूजा मौर्य और पूजा यादव, साहनी जी भी जुड़ गए हैं। तो बच्चे जल्दी से सभी सेशन को लाइक कर दो, अपना नाम कमेंट करके बताओ और हम आगे चलते हैं। देखो बहुत ही ईजी है ये, वेरी सिंपल वे में आप इसे हल कर सकते हो बच्चा। वो कैसे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसका मल्टीपल कर सकते हो, किस में? ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर लो। देखो बच्चा इसका क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये यक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, भाई इसका इसमें, इसका इसमें, अब इसका इसमें कर लो इक्वल 3। एक बात मुझे बताओ आपको समझ में आ रहा कि नहीं? 2 मिनट का हम आपको टाइम दे रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो बाबू, ठीक है? 2 मिनट का आपके पास टाइम है और मैं भी व्हाट्सएप में शेयर कर देता हूँ क्योंकि बच्चे बहुत कम आए हैं अभी, तो बच्चों का क्लास ना छूटे ये हमारी भरपूर कोशिश रहती है। तो आप लोग पहले बताओ समझ में आया कि नहीं इतना जो मैंने क्रॉस मल्टीपल किया, बोलो यस। आया समझ में तो बोलो यस जल्दी से, चलो फट से बोलो यस। चलो बच्चे बोलो बोलो बोलो, आया समझ में ना इतना? हाँ, अगर कोई डाउट है तो बता दो। विनोद कुमार जी, चिंटू कुमार, ठीक है बच्चा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए सिर्फ 2 मिनट हम वेट करेंगे, 2 मिनट ओनली, 2 मिनट। आपसे निवेदन है कि लाइन पे बने रहिएगा, कोई भी बच्चा लाइन डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, मतलब क्लास छोड़ के कोई भी जाएगा नहीं, ठीक है? लाइन पे बने रहिएगा सभी बच्चे, कोई भी क्लास छोड़ के मत जाना। ओनली 2 मिनट, 1 मिनट हो गया, बस 1 मिनट और। आप लोग इसे तब तक ट्राई करो ना यार। देखो मैं बता दे रहा हूँ कैसे, ध्यान दो इधर साइड में, अरे इधर साइडिया में देखो, ये ऐसे फिर से क्रॉस मल्टीपल कर लोगे ना यार इसका, तो ये यहाँ पे एरो लगा दो, तिरछा गुणा कर लो, तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 3x। इसमें कोई डाउट है? नहीं ना। फाइनल में ये एक्स का स्क्वायर ये इधर ले आओ तो 3x माइनस 1 इक्वल 0, ये बन गया आपका एक द्विघात समीकरण। क्या बन गया बच्चा? द्विघात समीकरण, चूँकि ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं दिया था। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, आप सबको पता होगा ना। क्या बोलते हैं भैया अंकित कुमार? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जयकरण मैं देख पा रहा हूँ आपको भी, ठीक है ना बच्चा? तो चलो प्यार से पढ़ाई करो, बस बात कोई प्रकार की ना करो। अब क्या करोगे आपको पता है? हाँ बिल्कुल सिंपल सा है, अब तो कर ही ले जाओगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब इसके हमें मूल निकालने हैं। अगर आप ध्यान दो
गुणा करने पर -1 और घटाने पर -3 आए तो ऐसा कोई सिचुएशन बनेगा नहीं। तो आप क्या करोगे, आप सूत्र लगाओगे। कौन सा बच्चा? अरे वही जो श्रीधराचार्य वाला, जिसे बोलते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र, ये सूत्र आप लगाओगे और इसी में आप क्या करोगे, मान रख दोगे। लेकिन नीचे आपको दिख रहा क्लियर कि नहीं, पहले मुझे ये बता दो कमेंट करके। दिख रहा ना बच्चा लोग? चलो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, ध्यान देना, अब हम लोग आगे हल करेंगे, इसको लेके आगे चलेंगे। समीकरण दिया है, इसमें पहले हमें इसको कंपेयर करना चाहिए, इसमें मान इसका निकाल लेना चाहिए ए बी सी का, तभी तो हम रखेंगे ना। इसलिए हम सूत्र को एक बार नीचे और आगे बढ़ा के लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम ए बी सी का मान निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी सूत्र नहीं लिखना अच्छा नहीं है, लिखो ए इक्वल 1, बी इक्वल -1, सी इक्वल -1। नीचे लिख दो ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी इक्वल 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर ब्रेकेट में लिख देना, ठीक है, मतलब उसका समझ में आ जाए कि हाँ इससे तुलना किया गया था। अच्छा एक बात ये बताओ यार, तुम लोग जुड़ते का है नहीं हो भाई, सुबह लाइव में नहीं जुड़ोगे तो मज़ा नहीं आती, ये बात जान लो अपने दिमाग में, ठीक है। लाइव में संख्या नहीं जुड़ेगी तो हम पढ़ाएंगे भी नहीं। चलो एक आध दो ठीक बता देते हैं, ये हो गया। अब सूत्र लिख लो, लिखो द्विघात समीकरण सूत्र से, यक्स इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। सबका मान रख दो इसी में बच्चा, ला ला के फटाफट रख दो, ढकेल दो जितने मान हैं, जा ला के रख दो मान, बस हो गया भाई। अगर कोई डाउट है, कुछ क्लियरिटी नहीं है तो बताओ कमेंट करके, बिल्कुल टेंशन मत लो एक पैसे का, लेकिन कमेंट जरूर करो सभी बच्चा। हाँ चलो, तो क्या करोगे अब भाई, करोगे का अब? मान रख दो, चलो ले चलो पकड़ के यक्स इक्वल। आप अगर ध्यान दो यहाँ पे एक बात, तो माइनस बी का सब कर रहा है भाई, कुछ दिक्कत आ रही क्या लाइफ में, कोई इशू आ रहा है बता दो, कोई लफड़ा है तो बता दो भाई, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मैंने बी का मान रख दिया, अब क्या करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब जो बी का मान है उसका हम स्क्वायर कर देंगे एक बार। तो बच्चा आप देखो बी का मान -1 है, तो बी का स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर और -4a, a और c, a का मान अगर देखो तो 1 है, c का मान भी 1 है, लेकिन यार c का मान -1 है बाबू, ठीक है, क्योंकि ये गलती मत करना, ये माइनस है ना, तो ये 1 है और ये क्या है, -1 है, ऐसे रख लो। नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 और a का मान 1, सारे मान रखने हैं जितने भी हैं, मैं आगे से हट भी जाता हूँ, आप देख लो सब अच्छे से, बस इनको कैलकुलेशन कर लो भाई। चिंटू कुमार समझ में आ रहा है, विनोद कुमार सब ठीक ठाक है ना, श्रुति आपको भी आ रहा है ना, चलो कमेंट करते रहना अगर कोई डाउट होगा। तो बच्चा इसे फाइनल करोगे आप, ये -1 और -1, अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन क्या होगा आगे देखो, एक मिनट भाई रुक जाओ, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ भाई विनोद कुमार, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे देखो कंपेयर में हम लोगों ने क्या किया, जल्दी जल्दी में कुछ मिस्टेक कर दिया बाबू, ठीक है। ये देखो बी की जगह पे -3 है यार, तो बी की जगह पे -3 है भाई, यही तो हो जाता है ना जल्दी जल्दी में, ये -3 है, क्या है, -3 है। अब आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 3 आएगा प्लस माइनस, ये 3 × 9 9 ना, और ये 4 × 4 और ये 4 ही रहेगा, प्लस में 4 हो जाएगा, तो कोष्ठक में आप लिखोगे 9 + 4, नीचे क्या लिखोगे, 2,
देखो बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को हमें लेके चलना है। अगर आप थोड़ा सा भाई इधर उधर किए ना तो गड़बड़ा जाएगा। तो जैसे देखो मैंने पहले यहाँ फार्मूला लिख दिया था, फिर मैं मिटा के जल्दी से इसको लिख दिया, तो कंपेयर करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अंकित कुमार क्वालिटी चेंज कर लो वीडियो की, एकदम मस्त दिख रहा है भाई, मैं खुद देख रहा हूँ। ठीक है अंकित कुमार क्वालिटी चेंज कर लो, सेटिंग से आपका इंटरनेट धीमा चल रहा है। तो बच्चा फाइनल में ये हो जाएगा यक्स इक्वल 3 ± √13/2। ये दोनों चिन्ह लगा है प्लस माइनस, तो यक्स इक्वल हो जाएगा 3 √13/2 और कामा 3 और माइनस, भाई दोनों चिन्ह लगा है ना, तो आंसर दो रूप में आता है, ये बात याद रखना। आंसर दोनों रूप में आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस में होता तो एक प्लस एक माइनस, ये इसके क्या हो गए, दो मूल हो गए। आप इन्हें छाप लो फट से। इतना समझ में आ गया ना यार, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। देखो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ा करो, तब ये लाइव आगे चलेगी, मज़ा आएगा, नहीं तो ये 10-5 मिनट पढ़ा के हम भी बंद कर देंगे, हमें भी नहीं मज़ा आता। ठीक है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नहीं जुड़ते हो। अंकित कुमार पहली बात तो तुम झूठ बोल रहे हो, 380 क्वालिटी कभी होती नहीं मोबाइल में। हाँ यूट्यूब का कोई ऐसा फीचर नहीं जिसमें 380 हो, 240 होता है, 360 पिक्सल होता है, आप उसे कम से कम 480 करो, 480 या 720 पे देखो तो एकदम मस्त दिखेगा। अब इसके आगे मैं और कुछ नहीं बता सकता हूँ। चलो नोट कर लिया, तो ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। ठीक है थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकेंड पार्ट आप लोग खुद से कर लोगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, नहीं होना चाहिए ना। चलो मैं सेकेंड पार्ट भी करवा देता हूँ, नोट कर लो, जिनको भी लिखना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास 10 सेकेंड है, स्क्रीनशॉट ले लो फट से। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 कक्षा 10 की NCERT मैथ, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो तुरंत, मैं मिटाने चल रहा हूँ। हो गया भाई विनोद कुमार, हो गया अंकित, सुधांशु, सबका हो गया ना। चलो चलो ठीक है मैं मिटाता हूँ, सेकेंड पार्ट पे चलता हूँ। फिर अब ध्यान देना, उधर साइड जो नहीं अभी कर पाए कर लें, उधर आधा छूटा है अभी। सेकेंड पार्ट में इधर लिखूँगा, तब तक आप बच्चा उधर वाला कर लो। ठीक है क्वालिटी अच्छे से चेंज कर लो मोबाइल की सेटिंग से, यूट्यूब की सेटिंग से, एकदम साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद देख रहा हूँ। तो चलो बच्चा सेकेंड पार्ट ले लो यार, सेकेंड पार्ट ले लो बाबू, बहुत सिंपल सा है इसमें का, 1/x + 4। इसके लिए आपको भिन्न आनी चाहिए, बेसिक मैथ आनी चाहिए, अगर वो नहीं आती ना तो आप PBR स्टडी का इलाहाबाद चैनल देखो। और हाँ जो नए छात्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करेंगे बच्चा, जितने भी नए छात्र हैं अभी तुरंत चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे, देर नहीं करना है। चलो इतनी कहानी हो गई ना यार, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे वैसे। चलो देखो मैं जैसे बोलूँ ना तुरंत छाप लिया करो, बिल्कुल देर मत किया करो कुछ भी सेकेंड का, क्योंकि ये सब ना बहुत स्पीड में करने वालों के लिए है, नहीं तो नहीं कर पाते हो तो वीडियो को रोक करके लिखो, धीरे धीरे लिखो भाई, कछुआ की चाल लिखो। चिंटू कुमार चलो ये पार्ट नंबर सेकेंड है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 का। हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के हो, अगर आप CBSE बोर्ड में हो तो CBSE वालों में भी सवाल यही है, सेम टू फाइंड द रूट्स ऐसे कुछ होगा। अगर आपको ये भिन्न आता है 1/3 - 1/5, तो बच्चा अगर वो आता है तो आप इसको कर लोगे। कैसे ज़रा ध्यान दो, इसमें क्रॉस मल्टीपल होता है 5, 3 × 1 = 3, 5 × 3 = 15 ना, 2/15 आता है ना, आता है ना। तो बच्चा अगर इसको कर लोगे तो इसको भी कर लोगे, इसका क्या करोगे, इसको पकड़ के इसमें गुणा करोगे तो ये x - 7 हो जाएगा, इसको पकड़ के इसमें गुणा करोगे, बीच में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, x + 4 हो जाएगा, नीचे इसका इसमें करोगे तो x + 4 × x - 7 हो जाएगा, ये इक्वल 11/30 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बता दो, बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा। ठीक है ये क्लास हर दिन सुबह 8 बजे से लाइव होती है, डेली होती है, संडे को नहीं होती बाबू। ठीक है बस केवल संडे को नहीं होती, बाकी हर दिन होती है सुबह 8 बजे से लाइव। चलो
ओके गुड, तो आगे बढ़े अब हम लोग। चलो ठीक है, ओके। तो अब क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इनको कोष्टक खोलो। तो यक्स माइनस सेवन, ये माइनस, कोष्टक के पहले माइनस है, कोष्टक खोलोगे अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा बच्चा, तो यक्स माइनस फोर हो जाएगा जो प्लस में था। नीचे ये गुणा कर लो आपस में, गुणा करना मैंने यार तुम लोग को सिखाया, यार कई बार सिखाया है। एक्स का एक्स में करोगे तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का सेवन में करोगे बच्चा तो माइनस का सेवन एक्स, प्लस फोर का एक्स में करोगे तो प्लस फोर एक्स, प्लस फोर का माइनस सेवन में करोगे माइनस 28, इक्वल 11/30। इतना समझ में आया, इतना कर लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। देखो मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ना एकदम, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। चलो इधर थोड़ा लाइट कम पड़ती है यार, थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है ना, मुझे भी लग रहा है हल्का थोड़ा दिक्कत होती होगी तुम लोग को यार, तो मैं इसको ढकेल देता हूँ, रुक जाओ कुछ सेकेंड। ये लो, अब कुछ बढ़ गया होगा लाइट। चलो चिंटू कुमार काहे को कर दें भाई, चिंटू कुमार कहाँ प्रॉब्लम है बाबू आपको, अमित से सबको पढ़ने दो ना, सबको पढ़ना चाहिए, अब बच्चे हैं कुछ ना कुछ तो गलती करते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, किसी को ब्लॉक नहीं करते हम, आप सभी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बस आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए बस। चलिए अब क्या करोगे, इनको हल करो, इनको हल करोगे कैसे होगा, देखो ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस कट जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को ना, तो बच्चा ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो फाइनल में आपका माइनस में 11 आएगा ऊपर। नीचे क्या आएगा पता है आपको, नीचे क्या आएगा मालूम है भाई, ये प्लस और ये माइनस दोनों सजातीय पद हैं तो 7x और 4x ये घट जाएगा तो माइनस 3x आएगा, तो फाइनल में बच्चा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 28 इक्वल ये हो जाएगा 11/30। इतना तो आप लोग को अच्छे से पता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ किसी को कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। अब देखो ये 11 से कट जाएगा बच्चा माइनस वन और ये कट जाएगा वन, भाई कट सकता है अगर आपने हल किया अभी तक जानते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो क्रॉस मल्टीपल कर लो। हाँ ये कट जाएगा, अब इसका इसमें तिरछा गुणा करो, इसका इसमें करो वन में, नहीं तो मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो यार। ये लो ये इतना हो जाएगा, ये लो बस एक लाइन और बढ़ गया ना यार। चलो ठीक है, कपिल कुमार जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैकी, जैकी जी कैसे हो, ठीक हो ना। चलो यार आगे बढ़ो, इसका इसमें गुणा कर लो वन में, इसका इसमें कर लो, क्रॉस मल्टीपल जिन्हें बोलते हैं, ये माइनस वन था बच्चा ये माइनस तो माइनस जरूर लगाना, तो यक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28 बराबर ये माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 30 को इधर पकड़ के ले आओ गिर्रा के, देखो क्या कहता है ये, तो बच्चा ये फाइनल में यक्स का स्क्वायर माइनस का 3x क्या है 3x माइनस 28 और ये 30 इक्वल 0। भाई ये 30 उधर माइनस में है, आप इसे ध्यान से देखो, प्यार से देखो, उधर माइनस में है इधर आएगा ये चिन्ह पलट देगा तो प्लस में हो जाएगा ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना, नहीं। चलो ठीक है, विनोद कुमार यूट्यूब पे सारी क्लास फ्री होती है बच्चा, कोई पेमेंट नहीं करना। अब ये माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, बस ये आपका क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण हो गया। इसका आपको क्या करना है, मूल निकालना है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे ना भाई, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिन बच्चों को मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता या कंप्यूटर लैपटॉप में, वो हमसे संपर्क करेंगे क्लास ख़त्म होने के बाद, ऊपर नंबर दिया गया है, उनको स्क्रीनशॉट लेना बताया जाएगा
क्योंकि स्क्रीनशॉट ही ले सकते हो क्लास में, बाद में लिख लेना अच्छे से, ईमानदारी से बाद में लिख लेना। स्क्रीनशॉट का मतलब होता है स्क्रीन की फ़ोटो खींच जाना, ठीक है। बाकी यहाँ लिखने का इतना टाइम नहीं होता कि मैं रुक जाऊँ और आप लिखो, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है ना बच्चा। तो मैं इधर साइड मिटा देता हूँ, चलो मैं इसका पहला पार्ट मिटा देता हूँ इधर साइड का, अब उधर वाला मैं इधर ला के हल करूँगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, किसको किसको इसमें स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता है, जिनको मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता है वो नो लिख के कमेंट करें, या नो नो, सिर्फ नो लिखना है बस उनको, जिनको मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता है, हम जान जाएंगे कि हाँ आपको नहीं आता है। वैसे क्लास टेंथ में हो तो लगभग सबको आता होगा स्क्रीनशॉट लेना मोबाइल में, सबको आता होगा ना यार। विनोद कुमार तुमको नहीं आता है, चलो ठीक है। सभी को आता है ना, लगभग सबको आता है, जिनको नहीं आता भाई बाद में नंबर पे संपर्क करना, बता दिया जाएगा, ऊपर नंबर दिया गया ना तुमको, बता दिया जाएगा कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब क्या करोगे यार, अब क्या करोगे भाई, क्या करोगे अब? सिर्फ हमें रूट फाइंड करने थे, इनका मध्य पद तोड़ के भी हम इसको लगा सकते हैं। जरा देखो, गुणा करने पर दो आए, जरूरी नहीं कि हम यहाँ सूत्र लगाएं, और जोड़ने पे माइनस तीन आए। बताओ है कोई ऐसी नंबर, फटाफट जल्दी जवाब दो, जल्दी से एक सेकंड के अंदर बोलो, जल्दी करो भाई। आदेश यादव तुम भी जाओ, ठीक है, तुम भी जाओ, चले जाओ जल्दी से, चले जाओ तुरंत। जिनको पढ़ना है, जिनको पास होना है, जो अच्छे बच्चे वही देखेंगे ना, नालायक टाइप के थोड़ी देखेंगे जिनको कुछ नहीं करना है, वो नहीं देखेंगे बिल्कुल, ठीक ना। चलो ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप बता दो निसंकोच, चलो आगे चले, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? देखो जोड़ने पे माइनस तीन आए, माइनस दो में माइनस एक जोड़ोगे बच्चा तो माइनस तीन आएगा, और माइनस दो का अगर माइनस वन में गुणा कर दो संयोगवश तो ये दो आ जाएगा। बन रहा है ना भाई, बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, चलो ठीक है। ईमानदारी से देखो, ये मत देखो कितने लोग देख रहे हैं भाई, परीक्षा होती तो सब थोड़ी पास होते हैं ना, नालायक टाइप के जो होते हैं, गधे टाइप के, वो तो फेल हो जाते हैं ना, वो पास थोड़ी होते हैं, पास तो कुछ ही बच्चे होते हैं, टॉप तो कोई एक ही दो करते हैं ना, सब थोड़ी टॉप करते हैं, जितने सब टॉप कर देंगे। तो ये मत देखो कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, और खुशी की बात है कोई नहीं पढ़ेगा, तुम अकेले पढ़ो, सबसे अच्छा नंबर आएगा कि नहीं आएगा ना, तो भाई भीड़ भाड़ वाली जगह में मत जाओ, आराम से पढ़ो। चलो तो इसको हम कर लेंगे यक्स का स्क्वायर माइनस, पहले एक बार इसको लिख लेते हैं, तीन एक्स धन दो इक्वल जीरो। अब क्या करोगे आप, ध्यान दो यहाँ पर, इसको हमें तोड़ना है दो पार्ट में, तो हम यक्स का स्क्वायर और प्लस ये माइनस दो और ये माइनस वन कर देंगे, ठीक है, इंटू यक्स प्लस टू इक्वल जीरो। यहाँ पे ध्यान दो, आपको एक चीज़ समझना है, ये प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि जब कोष्ठक आप खोलोगे तो फिर से ये आ जाए, देखो ये जोड़ोगे दो एक तीन, माइनस तीन आएगा, माइनस तीन और धन, तो धन और ऋण क्या होगा, ऋण हो जाएगा, ये सही है, कोई डाउट होगा तो बता देना। अब ये कोष्ठक खोल लो बच्चा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, तीन एक्स हो जाएगा ना, है ना, माइनस तीन एक्स हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। कोई डाउट है तो बता दो निसंकोच भाई, एक्स में गुणा कर लो दो में तो क्या हो जाएगा, दो एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल जीरो। तो बच्चा इसमें एक्स कामन ले लो, एक्स माइनस टू बचेगा, इसमें माइनस वन कामन ले लो, एक्स माइनस टू बचेगा इक्वल जीरो। इसमें कोई डाउट है तो बता दो भाई, निसंकोच बोलो, अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बोलो। चलो इतना हो गया, वो पिछला सवाल है उधर जो लगा है, इसको आगे बढ़ाओ, x माइनस टू एक कोष्टक में हो जाएगा, x माइनस वन इक्वल जीरो एक कोष्टक में हो जाएगा। बच्चा एक एक को जीरो के बराबर करोगे
तो ये आएगा इतना ना, यानी ये समीकरण के दो मूल हैं। बात समझ में आया ना? आया ना समझ में? कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से, देखो ये तो बड़ी जल्दी आ गया ना यार। हाँ आ गया ना जल्दी, कितना आसान है ना ये, वेरी सिंपल है ना भाई। कपिल कुमार, चिंटू कुमार, देखो ये मत देखा करो कि चार लोग देख रहे हैं, तीन लोग देख रहे हैं, दो लोग देख रहे हैं, 18 लोग देख रहे हैं। हमें तो पढ़ाना है ना, चाहे कोई ना देखेगा तब भी हमें पढ़ाना है। लोग क्यों नहीं देखते हैं पता है? YouTube नोटिफिकेशन नहीं दिया, जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई, YouTube नोटिफिकेशन नहीं दिया तो बच्चे कम जुड़ते हैं, यही वजह है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बहुत सारे हैं, देखते हैं सब। देखो इस चैनल पे 6000 बच्चे हैं, PVR स्टडी के बड़े चैनल पे लगभग 2,00,000 बच्चे हैं, तो बच्चों की कमी नहीं है। लेकिन अब बच्चे जो हैं पता नहीं कर पाते ना, क्लास चल रही है उनको मालूम ही नहीं चलता क्लास चल रही, इसलिए वो देख नहीं पाते, छूट जाता है। तो भाई क्या करोगे आप लोग, जल्दी से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें जो नए छात्र जुड़े हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सभी दोनों पार्ट हो चुके हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए मिटा देते हैं अब, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर कोई डाउट है तो निसंकोच कमेंट करिए, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करिए, सभी साथियों में शेयर करिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे तो ये जो 25 मिनट क्लास चल रही है इसको हम 50 मिनट चलाएंगे, क्लास बड़ी चलाएंगे। अगर ज़्यादा बच्चे आप लेके आएंगे तो आपको क्या करना है, किसी को पकड़ के नहीं लाना, घिरा के उनको क्लास की लिंक को भेज देना व्हाट्सएप पे, बोल देना है कि बच्चा क्लास चल रही है यार, चलो पढ़ लो बेबी, आ जाएंगे सब पढ़ लेंगे, है ना। धन्यवाद आप सभी को। तो करेंगे ना आप लोग, ठीक है।